أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. السلام عليكم، مجھے بتائیے گا آواز اور سکرین دونوں چیزیں کلیئر ہیں؟ जी, तो लास्ट टाइम वी डिड चैप्टर 16, और चैप्टर 16 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर हम लोगों ने देखा. मुझे बताइए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर से इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी डाउट्स. मैं अगेन इस बात पे एम्फसाइज करूंगा आज भी कि ये जितने भी चैप्टर्स, जितने भी एरियाज, जितने भी टॉपिक्स हम लोग कर रहे हैं, इनका फुल फ्लेज वर्जन आपके सिलेबस में नहीं है. इन्होंने सिर्फ कन्फाइन कर दिया है डेफिनेशंस की हद तक. बहुत बेसिक नॉलेज आपको दे रहे हैं, तो आपके आपको बस इस चीज का एक मोटा मोटा आइडिया हो कि हाँ ये चीज ऐसे है, ताकि कल को अगर आपके सामने कोई बंदा बात कर रहा हो कि यार इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में मेरे साथ लॉस हो गया, मेरे पैसे चोरी हो गए, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है मुल्क में, क्राइम हो रहा है मुल्क में, तो आपको पता हो कि हाँ आप एक सीए के स्टूडेंट हैं और आपको इन चीजों के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है. तो सिर्फ बेसिक बातें आपको बताई जा रही हैं, आपसे की जा रही हैं, ताकि आप लोग उनको रटा मार लें. सेम उसी ही सेंस पे जो अब एरियाज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं, दीज आर डाटा प्रोडक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स. चैप्टर 16, 17, 18 में से जो सबसे छोटा चैप्टर है वो चैप्टर 17 है, और इस पूरे चैप्टर की मुश्किल से 7 स्लाइड्स हैं, 7 स्लाइड्स. तो देर आर चांसेस कि चैप्टर आज ही एंड हो जाए, बट मैं कोशिश करूंगा कि उसको कल पे स्प्रेड कर दूं. बट अगर आप लोगों को बात समझ आ रही हो, चीजें क्लियर हो रही हो, तो देर आर हैवी चांसेस कि हम इसको आज ही खत्म कर पाए. शुरू करते हैं. इसके अंदर भी कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हमें ये चैप्टर दे रहा है वो है डेटा प्रोटेक्शन का. डेटा प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन किसे कहते हैं? प्रोटेक्शन मीन्स हिफाजत, हिफाजत, लॉक्ड, सिक्योर्ड टू रिस्ट्रिक्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस. और डेटा क्या है? डेटा इज इंफॉर्मेशन. डेटा इज इंफॉर्मेशन, डेटा इज लॉजिकल बेस. लॉजिकल बेस या लॉजिकल इंफॉर्मेशन, तो हर तरह की इंफॉर्मेशन को जो कि आपकी है, पर्सनल है, जो कि आपकी है, पर्सनल है, हर तरह के उस लॉजिकल डाटा की हिफाजत, ये बताता है हमें डाटा प्रोटेक्शन का एक्ट. और फिर इसी से लिंक होता है इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स का एक एक्ट. यानी के डाटा प्रोटेक्शन तो हम लोग कर ही रहे हैं, अगर कोई बंदा इस
कि एक्सेस हासिल कर ले किसी अनऑथराइज्ड तरीके से, तो वो कहलाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक क्राइम। आजकल की जो चोरियां है ना, वो फिजिकली बहुत कम है, इलेक्ट्रॉनिक ही ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रास्ते में जा रहा हूं और खुदा ना खास्ता कोई चोर मुझे आगे पकड़ ले, क्या मिलेगा उसको मेरे से? 100 रुपया, 200 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया, 1,000 रुपये। मगर मेरे वॉलेट के अंदर एक कार्ड होगा जिसको हम डेबिट कार्ड कहते हैं, पैसे उस डेबिट कार्ड में होंगे। और अगर वो उस डेबिट कार्ड की पिन कोड की एक्सेस हासिल कर ले, उस डेटा को हासिल कर ले जो कि मेरा पर्सनल डेटा है, प्रोटेक्टेड डेटा है, और अगर वो पिन कोड हासिल करके मेरे अकाउंट में लॉगिन हो गए, पैसे ट्रांसफर कर ले, दिस विल बी इलेक्ट्रॉनिक क्राइम, दिस विल बी डिजिटल क्राइम। हम लोग एक डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं। दुनिया फिजिकल से आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हो रही है टुवर्ड्स डिजिटलाइज्ड इन्वायरमेंट, जहां पे अब काम फिजिकल नेचर के बहुत कम है। भाई पहले नौकरियां होती थी, लोग तैयार होते थे, ऑफिस जाते थे, बैठते थे, काम करते थे, वापस आते थे। आजकल क्या है? वर्क फ्रॉम होम। आजकल तो सब चीजें इंटरनेट पे शिफ्ट हो गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पे शिफ्ट हो गई हैं। आपके पास सेटअप है, सामान है, एक अच्छा इन्वायरमेंट है, अच्छा कमरा है, आप कहीं से भी वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। तो आजकल की जो दुनिया है वो ये चाह रही है कि भाई फिजिकल हसल सबसे कम हो, जो चीज इलेक्ट्रॉनिक वे से हो सकती है, जो चीज घर बैठे हो सकती है, बहुत अच्छा है। और चोरों ने भी यही रास्ता इख्तियार कर लिया, वो भी आपके सिस्टम्स को हैक करते हैं, आपके सिस्टम्स को हैक करते हैं और वहां से सारा का सारा डाटा लीक करके मार्केट को बेच देते हैं, अंडरवर्ल्ड को बेच देते हैं, गवर्नमेंट को बेच देते हैं, मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स। तो अगर एक कंट्री का एक इंपॉर्टेंट डाटा, लेट सपोज इन्होंने डाटा मेंटेन किया हुआ है, गवर्नमेंट ने कंट्री का डाटा मेंटेन किया हुआ है रिगार्डिंग टेररिज्म, रिगार्डिंग करप्शन, और कोई हैकर इस सिस्टम में जाए, ये डाटा चुरा के किसी और मुल्क को बेच दे, और वो मुल्क हमारे मुल्क के खिलाफ थर्ड पार्टी एडवांटेज ले सकता हो, दिस विल बी इलेक्ट्रॉनिक क्राइम। और ये जो डाटा गवर्नमेंट ने मेंटेन कर रखा है, इस डाटा की प्राइवेसी ब्रीच हो गई है। उन्होंने अपने एंड से डाटा को प्रोटेक्ट किया हुआ था, बट आजकल के नौजवान इन कामों में बहुत तेज है, हैकिंग में वो सबसे ज्यादा यद्य तुला रखते हैं। तो डाटा प्रोटेक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स गो हैंड बाय हैंड। डाटा प्रोटेक्शन क्या है, मैं रिपीट कर देता हूं, डेटा प्रोटेक्शन इज कि आपके तमाम इंफॉर्मेशन को हिफाजत में रखा जाए। इसके ऊपर सबसे पहले एक लेजिस्लेशन पास हुई कि भाई पर्सनल डाटा को हम लोगों ने प्रोटेक्ट करना है। ये बिल अभी येट टू बी पास्ड है पार्लियामेंट से, इसकी जो कंसल्टेशन है वो अवेलेबल है मिनिस्ट्री वेबसाइट के ऊपर, आप जाकर देख सकते हैं। इस बिल का पर्पस क्या है कि डाटा को प्रोटेक्ट किया जाए किसी लॉस और मिसयूज से, और लोगों में एक अवेयरनेस जगाई जाए कि भाई आपका डाटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इसको यूज करके और बहुत सारे काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक दफा एक फोटोकॉपियर से अपने आईडी कार्ड की कॉपी करवाई, और उस फोटोकॉपियर ने आपके आईडी कार्ड को स्कैन करके अपने सिस्टम में सेव कर लिया। अब अगर वो ये आपके आईडी कार्ड की कॉपी किसी को बेच दे, तो वो शख्स आपके आईडी कार्ड की कॉपी पे बहुत कुछ परचेज कर सकता है।
मुझे याद पड़ रहा है अभी कुछ दिनों पहले आई वॉज शॉक्ड के मेरे नाम पे एक बाइक निकली हुई है। अब मुझे नहीं पता उस बाइक का मालिक कौन है, मगर निकली हुई, तो आई हैड टू लॉज अ कंप्लेन कि भाई मैंने कोई बाइक अपने नाम पे नहीं निकलवाई है, मेरा आईडी कार्ड यूज नहीं हुआ किसी भी बाइक को निकलवाने के लिए, मगर निकली हुई है। तो अब लोगों में इस चीज की अवेयरनेस पहुंचानी है कि भाई आपका डाटा आपकी अमानत है, इसको आपने इस्तेमाल करना है। अगर आप किसी और को दे रहे हैं या कोई और बंदा सिस्टम में जाके आपका डाटा निकाल के लेकर आ रहा है, तो दैट कैन कॉज अ ग्रेट डील ऑफ हार्म फॉर यू। एक एक्ट है इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016, जिसके अंदर भी डेटा प्रोटेक्शन की बात की गई है। फिर पेमेंट सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एक्ट जो आपकी आप लोगों ने अभी पढ़ा वो भी सीक्रेसी की बात करता है, ऑफेंसेस की बात करता है। फिर टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशन, अब अगेन इस चीज की कतन कोई जरूरत नहीं है, आपने इसको एक दफा पढ़ के मुस्कुरा के काट देना, अननेसेसरी बातें लिखी हुई, एक दफा पढ़ना जरूर है, पढ़ के मुस्कुरा के काट देना कि भाई ठीक है मैंने पढ़ लिया, इसमें कोई काम की बात मुझे नजर नहीं आई। तो अब आजकल ये जो टेली कम्युनिकेशन इदारे हैं वो भी आपसे कहते हैं कि जनाब अगर आपको कोई रॉन्ग कॉल आ रही है, कोई गलत मैसेजेस आ रहे हैं, या आपका नंबर मार्केट में ब्रीच हो चुका है, तो आप हमें कंप्लेन लॉन्च करें, हम इसके ऊपर पूरी कार्रवाई करेंगे, इन तमाम इलीगल प्रैक्टिसेस को रोकने की कोशिश करेंगे। तो अगेन पढ़ लिया बहुत है, मुस्कुरा दें, छोड़ दें, आगे चलें। अब आते हैं जनाब मेन टॉपिक के ऊपर, डेफिनेशंस के ऊपर। चार अदर डेफिनेशंस इस वक्त आपके स्क्रीन के ऊपर मौजूद हैं, वन बाय वन करके इसको देखते हैं। भाई आप लोग कौन है, हु आर यू? आप लोग सब्जेक्ट हैं, आप लोग डेटा सब्जेक्ट है, यानी कि आपके डेटा की बात हो रही है, योर डेटा, आपके रेलेवेंट डाटा की बात हो रही है। आप एक इंसान है, आप एक नेचुरल पर्सन है, जिसकी बात हम लोग अब बार बार करेंगे। तो जब हम कहेंगे इंसान, इट मींस डाटा सब्जेक्ट। हर वो इंफॉर्मेशन जो कि आपसे रिलेट करती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जिससे आपकी पहचान हो सकती है, जिससे आप पहचाने जा सकते हैं, और वो इन्फॉर्मेशन आपने किसी और के हवाले की हुई है, वो इन्फॉर्मेशन किसी और की पोजेशन में है। किसी और से क्या मुराद है? डाटा कंट्रोलर। और उस डाटा के अंदर देर कैन बी अ सेंसिटिव पर्सनल डाटा, ये क्या होता है नीचे लॉ ने डिफाइन किया। तो हर वो इंफॉर्मेशन जो कि आपको आइडेंटिफाई करवा सकती है, आपकी पहचान करवा सकती है, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन हो इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन हो, दैट वुड बी कॉल्ड योर पर्सनल डाटा। फॉर एग्जाम्पल आपका नाम, आईकैप का सीआरएन। अब अगर आप आईकैप का सीआरएन आपको पता है और आप गूगल में जाकर उसको सर्च कर रहे हैं एग्जाम शीट के अंदर, तो आपका नाम सामने आ जाएगा, आपका मोबाइल नंबर अगर वो आपके नाम पे निकला है, तो आपकी ईमेल आईडी, आपका बैंक अकाउंट नंबर, तो इस तरह का डाटा जो कि आपकी शिनाख्त करवा सके, आपका आईडी कार्ड नंबर, कॉलेज का रोल नंबर, आपकी बर्थ प्लेस, आपके घर का एड्रेस, स्कूल का एड्रेस, हर वो इंफॉर्मेशन जो कि आपसे ताल्लुक रखती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टू अ डेटा सब्जेक्ट, यानी कि आप यू, और उससे आपकी शिनाख्त हो सकती है उस इंफॉर्मेशन से, और वो इंफॉर्मेशन आपने किसी के हवाले की हुई है, किसी डेटा कंट्रोलर को दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल आप जब कॉलेज में आते हैं एनरोलमेंट करवाने के लिए, तो कॉलेज आपको एक फॉर्म देता है,
उस फॉर्म के ऊपर आपने बताना होता है आपका नाम क्या है, आपके वालिद का नाम क्या है, आपकी वालदा का नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपका फोन नंबर क्या है, आपका आईडी कार्ड नंबर क्या है, आपका एफटीएस नंबर क्या है, आपका सीएनएन नंबर क्या है, आप किस मुल्क से हैं, किस शहर से हैं, किस गांव से हैं, किस कस्बे से हैं, आपके एफएससी में कितने मार्क्स थे, कितने पेपर्स आपके पास हैं, ये सारी चीजें आपने फिल करके खुद डेटा कंट्रोलर्स के हवाले की होती है। डेटा कंट्रोलर यहाँ पे लेट सपोज मैं कॉलेज की अगर मिसाल ले रहा हूँ, तो अगर कॉलेज आपका ये डाटा, ये पर्सनल डाटा मार्केट में बेचते, पता चले आपको आपके नंबर के ऊपर बेशुमार मार्केटिंग मैसेजेस आ रहे हो और आप परेशान हो कि भाई ये नंबर तो मैंने अभी रिसेंटली परचेज किया, ये नंबर लोगों तक तो कैसे पहुंचा, तो आपको याद आए कि हाँ ये नंबर तो मैं अभी कॉलेज के अंदर देकर आया था एडमिशन के लिए। तो किसी भी तरह का पर्सनल डाटा अगर कोई थर्ड पार्टी बेच दे या उससे लीक हो जाए या कोई बंदा उसके सिस्टम में एंटर होके वो डाटा निकाल के ले जाए, दैट विल बी कॉल्ड लॉस ऑफ पर्सनल डाटा। तो इससे बचने का एक तरीका ये है कि आपके डाटा को अनोनिमाइज कर लिया जाए, एनक्रिप्ट कर लिया जाए या सूडोनिमाइज कर लिया जाए। ये तीन लफ्ज हैं, अनोनिमाइज, एनक्रिप्ट, सूडोनिमाइज। इसकी मैं मिसाल आपको दूंगा यहां पे। आपके सामने इस वक्त रेड, येलो एंड ग्रीन तीन तरह की ब्लॉक्स मौजूद है। आपने लेट सपोज ये डाटा दिया कॉलेज को कि आपका नाम है जॉन ब्रिक्स, आपकी डेट ऑफ बर्थ है 14/4/1987, ये आपका ईमेल आईडी है, ये आपका यूजर आईडी है जो आपको कॉलेज ने दिया, और ये आपकी हेल्थ है, ठीक है, ये एक डाटा है जो कि आपने प्रोवाइड किया। अगर मुझे इसको एनक्रिप्ट करना हो तो मुझे इसके ऊपर एक आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा। अगर मुझे इसको एनक्रिप्ट करना है तो मुझे इसके ऊपर एक आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा, यानी कि जब तक मैं वो आईडी पासवर्ड नहीं डालूंगा ये सिस्टम से डाटा खुल के मेरे सामने नहीं आएगा। दिस इज कॉल्ड एनक्रिप्शन। तो एनक्रिप्शन के अंदर हम क्या डालते हैं, आईडी पासवर्ड, उसको एनक्रिप्ट कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं अनोनिमाइज की, तो अनोनिमाइज में हमें पता है कि हम लोग उस बंदे का नाम सिरे से गायब कर देते हैं, और ना सिर्फ उसका नाम बल्कि जहां जहां पे उसका नाम का इस्तेमाल होता है, जैसे ईमेल आईडी में, यूजर आईडी में। तो अनोनिमाइज करने का मतलब यह है कि आप उस बंदे का नाम भी देखें गायब हो गया, उसकी ईमेल आईडीज भी गायब हो गई, उसका यूजर आईडी भी गायब हो गया। दिस इज अनोनिमाइज। और आपने इस डेटा को बिल्कुल क्या बना दिया, रैंडम डेटा। और सूडोनिमाइज डेटा क्या होता है कि आप उसका नाम अल्फा न्यूमेरिक से बदल देते हैं। अब ये फर्क है, एनोनिमाइज के अंदर आपने उसका नाम बिल्कुल ही गायब कर दिया, अनोनिमाइज में आपने उसका नाम बिल्कुल ही सिरे से गायब कर दिया है। सूडोनिमाइज के अंदर आपने क्या किया, उसका नाम बदल दिया है यूजर आईडी और एक कोड के साथ, अल्फा न्यूमेरिक कोड के साथ, और इससे डाटा आपने सेव कर लिए। तो जहां पे आपने जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, जो पर्सनल डाटा आपने प्रोवाइड किया है, अब दूसरी पार्टी की जिम्मेदारी है, जो डाटा आपसे ले रही है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको या अनोनिमाइज कर ले, एनक्रिप्ट कर ले या सूडोनिमाइज कर ले, ताकि अगर कोई हैकिंग के चांसेस हैं तो भी आपकी आइडेंटिटी सामने ना आए, आपका डाटा लीक होने के बाद भी लोगों को ये ना पता चले कि आपका डाटा, या आपकी उससे पहचान आइडेंटिफिकेशन ना हो पा रही हो। दिस इज पर्सनल डाटा। फिर कुछ ऐसा डाटा होता है जो कि होता पर्सनल है मगर उसकी सेंसिटिवनेस ज्यादा होती है आपके लिए, जैसे आपका बैंक अकाउंट नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड नंबर, कोई और पेमेंट इंस्ट्रूमेंट का नंबर, आपका पासपोर्ट, बायोमेट्रिक डाटा। अगर आपके पास किसी बंदे का आईडी कार्ड लग जाए आपके हाथ, तो आप उस आईडी कार्ड के साथ कुछ भी कर सकते हैं। वो आईडी कार्ड दूसरी पार्टी के लिए क्या है, सेंसिटिव डाटा। या आपके जो फिंगरप्रिंट का निशान है वो किसी के हवाले हो गया, किसी के हाथ चढ़ गया, अब वो उससे
कोई भी चीज बायोमेट्रिक करवा सकता है। तो ये इस तरह के डेटास, दीज आर मोर सेंसिटिव। फिर आपकी कुछ मेंटल हेल्थ कंडीशंस, लोग नहीं चाहते कि दुनिया को पता चले कि आपकी दिमागी हालत कैसी है, आपकी फिजिकल हालत कैसी है, साइकोलॉजिकल हालत कैसी है, मेंटल रिकॉर्ड्स कैसे हैं, आप किस रिलीजन के हैं, क्या बिलीफ रखते हैं। अब अगेन ये सारी चीजें अगर इनका लॉस हो जाए, दैट कैन क्रिएट अ बिग हार्म। फिर मजे की बात यह है कि कुछ जगहों पे हम लोग खुद से कॉन्सेंट दे रहे होते हैं कि हाँ तुम मेरा डाटा एक्सेस कर सकते हो। अगर आपने देखा हो कि जब भी आप कोई नई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, कोई नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर वो एप्लीकेशन आपसे चीख चीख के बोल रहा होता है कि भाई टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लो और इस पे एग्री करो, और आप कहते हैं कि यार पता नहीं क्या फजूल बातें लिखी हुई है, क्या पढ़ने की जरूरत है, बस आप टिक करके साइन करके आगे चले जाते हैं। और उसमें वो लिखा होता है कि वी आर बीइंग अलाउड कि हम आपके कॉन्टेक्ट्स को शेयर कर सकते हैं, आपके मैसेजेस देख सकते हैं, आपका व्हाट्सएप देख सकते हैं, आपके पिक्चर्स देख सकते हैं, आपके कैमरे की एक्सेस कर सकते हैं, मगर आपको फिक्र ही नहीं है। आपने अपनी विश के साथ, क्योंकि आपको जल्दी होती है, आप इतना ज्यादा डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ सकते, आपको उस हसल से बचना होता है, और आप बकायदा उस पे अफर्मेटिव एक्शन करते हैं, एग्री करते हैं, सिग्निफाई करते हैं, टिक कर देते हैं कि हाँ भाई मैं इन तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस पे एग्री करता हूँ, और बाद में आपको पता चलता है कि वो एप्लीकेशन, वो सॉफ्टवेयर आपका डाटा लीक कर रही, वहां से निकाल रही है। तो इस चैप्टर के अंदर ये जो शुरू की चार डेफिनेशंस हैं, ये आपको आनी चाहिए। अब अगेन डेफिनेशंस अगर याद हैं, या अगर इनके कुछ कीवर्ड्स याद है और आप खुद से प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, दिस इज ऑल्सो वैलिड, मगर बेहतर है कि इसको एज इट इज तैयार कर लें ताकि ज्यादा परेशानी ना हो आईकेएल के पेपर के अंदर। कोई सवाल? जी, की प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल टू पर्सनल डाटा प्रोसेसिंग। भाई अगर आप अपना एक पर्सनल डाटा किसी को दे रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, तो ये आपका हक बनता है कि वो डाटा आपका लॉफुल रहे, उसके पास महफूज रहे, डाटा ट्रांसपेरेंट रहे, उसमें किसी भी किस्म की चेंज ना की जा सके, वो फेयर रहे, जो चीज आपने दी थी वो चीज वैसे ही एज इट इज फॉर्म में उसके पास सेव है, जिस मकसद के लिए दी थी वो सिर्फ उसी मकसद के लिए, उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रही है। डेटा जो आपसे मांगा जाता है दैट शुड बी रेलेवेंट। भाई अगर आप एक क्लास अटेंड करने आ रहे हैं जूम की, और मैं आपसे कहूँ कि मुझे बताइए मैट्रिक में आपके कितने मार्क्स थे, या मैं आपसे कहूँ आपका आईडी कार्ड नंबर क्या है, या मैं आपसे कहूँ कि आप किस रिलीजन को मानने वाले हैं, तो ये गलत है। डेटा ठीक है डिमांड करें, मगर मिनिमल डिमांड करें, लिमिटेड डिमांड करें, जिस चीज के लिए आपने डाटा लेना है सिर्फ वही रेलेवेंट चीज लें, उससे फर्दर प्रोसीड ना करें। फिर एक्यूरेसी का ध्यान रखें, जो डाटा आपके पास है उसकी जो स्टोरेज लिमिटेशन है वो कम से कम, यानी कि 1 साल 2 साल के बाद वो डाटा आप खत्म कर दें। अगर आप किसी से डाटा ले रहे हैं तो फिर ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपने उस डाटा को सिक्योर रखना है, कॉन्फिडेंशियल रखना है, ताकि उस बंदे की इंटेग्रिटी डाउट पे ना आए। और इस सब कामों के लिए डाटा कंट्रोलर अकाउंटेबल है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये तमाम जिम्मेदारियां किसकी, डाटा कंट्रोलर की। और डाटा कंट्रोलर कौन है? वो शख्स जो कि आपसे डाटा ले रहा है, और आप कौन है? डाटा सब्जेक्ट। डाटा सब्जेक्ट अगर डाटा कंट्रोलर को अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, डाटा कंट्रोलर ने क्या क्या काम करने हैं वो यहां पे लिखे हुए हैं। सेम आपके भी कुछ राइट्स हैं,
आपका ये राइट है कि आपको हर वक्त इन्फॉर्म किया जाए, जब भी डाटा आपसे लिया जा रहा हो यू शुड बी इन्फॉर्म्ड। आपको अपने ही डाटा की एक्सेस भी होनी चाहिए। अगर आप व्हाट्सएप पे जाएं तो व्हाट्सएप पे एक फीचर है कि आप पूरी चैट की रिटर्न कॉपी निकलवा सकते हैं। तो इवन दो डाटा वो आपका है, मैसेजेस आपने टाइप किए हैं, आपको आए हैं, और आपको उस डाटा की एक्सेस पूरी की पूरी मौजूद है, फिर आपके पास ये राइट है कि आप अपने डाटा के अंदर कुछ रेक्टिफिकेशन कर सकें। अगर आपने शुरू में कोई इन्फॉर्मेशन गलत दे दी थी, मोबाइल नंबर गलत दे दिया था, तो आप अगर कल को उसको ठीक करवाना चाहें तो यस आप बिल्कुल करवा सकते हैं। आप अगर चाहें तो उस डाटा को खत्म कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो उस सिस्टम से वो डाटा फॉरगेट भी कर सकते हैं। रीस्टोर फैक्ट्री सेटिंग्स आपने सुना होगा भाई, व्हाट्सएप डिलीट कर दिया, डाटा खत्म हो गया। आपका ये राइट है कि अगर आपका डाटा किसी मार्केटिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, किसी और तरह की प्रोसेसिंग में इस्तेमाल हो रहा है, तो आप इस पे एतराज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट कर सकते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, और उस प्रोसेसिंग को, उस पोर्टेबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। आपकी कंसेंट अगर आपने शुरू में एग्री किया था तो आप मोबाइल के अंदर जाके उसको डिसलाउ भी कर सकते हैं। यू हैव ऑल द राइट टू विदड्रॉ योर कंसेंट, और आप कंप्लेन भी कर सकते हैं डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटीज को कि भाई आपका डेटा गलत कामों में इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसको रोका जाए। अब अगेन यहां तक जो चीज इंपॉर्टेंट हम लोगों ने देखी है वो यही है, इसकी चार डेफिनेशंस। अदर देन दैट, डेटा कंट्रोलर के पास इख्तियारात या उसकी ड्यूटीज या आपके राइट्स, ये ऐसी चीजें हैं जो कि अगर आप खुद से भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इनको बेशक क्रैम ना कीजिएगा, मगर जो डेफिनेशन है वो आपने क्रैम करके ही चलनी है। याद तक मुझे बताइए कोई सवाल। सिंपल और आसान सी बातें। अच्छा जी, ये था डाटा प्रोटेक्शन। अब जरा बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स के ऊपर, टाइम निकल आया तो फिर इसको वाइंड अप करते हैं, ताकि आज ही हमारी आखिरी क्लास हो और फिर आपको मिड के लिए भरपूर मौका मिले चीजों को रिवाइज करने का। तो लेट्स एंड दिस चैप्टर राइट हियर राइट नाउ। जी जनाब, शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स। 2016 के अंदर नेशनल असेंबली ने पैका इंट्रोड्यूस करवाया। पैका क्या है? प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स, पैका। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जाए जिसमें ये बताया जाए कि भाई इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स कितने तरह के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसको इन्वेस्टिगेट कैसे करना है, इसको अदालत में साबित कैसे करना है, इस पे किस तरह के केस होंगे, क्या सजा होगी। अगेन पढ़ के मुस्कुरा देना। और क्या याद करना है? डेफिनेशंस चार पहले पढ़ी थी, चार इस वक्त आपकी स्क्रीन पे। मैं इसको समझाने के लिए एक मिसाल देता हूं। आप एक ऑनलाइन कॉलेज को ज्वाइन करते हैं और आप उनसे एक्सेस मांगते हैं। आपने लेक्चर्स परचेज किए हैं बिजनेस लॉ के, कॉलेज ने आपको पोर्टल की या एलएमएस की एक्सेस दे दी, कॉलेज ने आपको एलएमएस की एक्सेस दे दी है, और उस एलएमएस के ऊपर आप किस चीज को देख सकते हैं? बिजनेस लॉ के लेक्चर्स को। बिजनेस लॉ के लेक्चर्स को देखना आपका राइट है। उस एलएमएस को
यूज करना बिजनेस लॉ के लेक्चर को देखने के लिए आपका राइट है, आपका राइट है। यानी कि आप को कॉलेज ने अलाउ कर दिया कि आप हमारे एलएमएस पे आए और आके लेक्चर्स देखें, मगर कॉलेज ने आपको अलाउ किया था बिजनेस लॉ के लिए, आप वहां पे हैक करके या चोरी से कॉस्ट के लेक्चर्स भी देखना शुरू हो गए, टैक्स के लेक्चर्स भी देखना शुरू हो गए। दिस इज कॉल्ड अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डेटा, दिस इज कॉल्ड अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डेटा। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम और डेटा विच इज नॉट अवेलेबल फॉर योर एक्सेस, भाई आपकी एक्सेस के लिए नहीं थे वो कॉस्ट के लेक्चर्स या वो टैक्स के लेक्चर्स, आपको कहा गया था आपने बिजनेस लॉ के लेक्चर्स को देखना और आपने विदाउट ऑथराइजेशन एक्सेस हासिल कर ली हैक करके और आप इंजॉय कर रहे हैं टैक्स और सीएमए के लेक्चर्स, ये गलत है, दिस इज अनऑथराइज्ड एक्सेस। अच्छा, एक्सेस तो आपने आपने हासिल कर ली, आप इतना आगे निकल गए हैकिंग करते करते कि अब आप उस डाटा को यूज कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, इवन वहां से डिलीट भी कर सकते हैं। आपने सिस्टम में स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर ली और अब आप वो लेक्चर कॉपी कर रहे हैं और कॉपी करने के बाद मार्केट में बेचेंगे और फेसबुक पे आवाज लगाएंगे कि भाई ये लेक्चर इस टीचर का इतने रुपए में है, कौन परचेज करना चाहेगा। या आपने वहां पे दो लेक्चर्स उड़ा दिए, खत्म कर दिए, अब टीचर भी परेशान है कि भाई वो लेक्चर्स कहाँ गए, आपने डिलीट कर दिए बैकएंड से, या आपने मॉडिफाई कर दिए, टैक्स के दो लेक्चर्स उठा के वहां पे कॉस्ट के दो लेक्चर्स डाल दिए और सिस्टम को पता ही नहीं चला। सिस्टम के लिए वो एक नॉर्मल एक्टिविटी है, क्यों, क्योंकि आपने हैक किया, आपने सिस्टम की अनऑथराइज्ड एक्सेस ली हुई है। चले मिसाल बदलता हूं, आपके पास कॉलेज के एलएमएस की एक्सेस नहीं थी, थी नहीं, लेक्चर्स तो बाद की बात है ना, आप उस कॉलेज में एनरोल ही नहीं थे, मगर आपने उस कॉलेज के पोर्टल की सिक्योरिटी ब्रीच करते हुए वहां पे कंट्रोल गेन कर लिया, उनके इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर अपना जाल डाल दिया, सिक्योरिटी मेजर्स को इन्फ्लुएंस कर दिया, तोड़ दिया, पूरा एलएमएस पोर्टल हाईजैक कर लिया और वहां से चीजों को निकालते गए, डिलीट करते गए, मॉडिफाई करते गए, डेटा डैमेज करते गए ना, डेटा ऑल्टर कर दिया, चेंज कर दिया, डिलीट कर दिया, खराब कर दिया, मिटा दिया, एक और जगह पे रख दिया, दबा दिया या टेम्परेरी या परमानेंटली उसको वहां पे अनअवेलेबल कर दिया, वायरस छोड़ दिया कि भाई इतने पैसे दोगे तो तुम्हें डाटा मिलेगा, अगर पैसे नहीं दोगे तो डाटा तुम्हें वापस नहीं मिलेगा। तो ये चार छोटी छोटी सी डेफिनेशंस है, बेसिक सी, जो कि आपको पता होनी चाहिए। आईकैप चाहे तो यहां से सवाल निकाल सकता है कि भाई अनऑथराइज्ड एक्सेस किसे कहते हैं, एक्सेस टू डाटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम की एक्सेस क्या होती है, डेटा डैमेज किसे कहते हैं। अब अगेन, जितना समझाने के लिए काफी था वो कर दिया, याद अब आप लोगों ने करना। एक और डेफिनेशन है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये थोड़ी सी हैवी डेफिनेशन। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इज विद स्टेट, ये स्टेट की बात कर रहा है यहां पे, जो हम लोग पीछे बात पढ़ के आए हैं ये इंडिविजुअल लेवल पे है, कंपनी लेवल पे है, मगर यहां पे पूरा का पूरा मुल्क इन्वॉल्व हो गया, पूरी की पूरी स्टेट इन्वॉल्व हो गई, मुल्क के तमाम एसेट्स, फैसिलिटीज, सिस्टम्स, नेटवर्क्स, अगर उनके डाटा में ब्रीच हो जाए, कोई उनका डाटा लीक कर दे, उनका डाटा कॉम्प्रोमाइज कर दे, जिससे जिससे मुल्क को नुकसान हो सकता हो, नेशनल सिक्योरिटी को नुकसान हो सकता हो, नेशनल डिफेंस को नुकसान हो सकता हो, स्टेट के फंक्शनिंग में रुकावट आ सकती हो, भाई न्यूक्लियर का डाटा लीक हो गया, किसी और मुल्क के पास चला गया,
हमारे लोन्स का डाटा किसी और के पास चला गया। अब इससे क्या होगा, आपके मुल्क की जितनी भी एसेंशियल सर्विसेज हैं वो हॉल्ट हो जाएंगी, वो रुक जाएंगी, आपके मुल्क की इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, जिससे जिससे इकोनॉमी गिरेगी, सोशल इम्पैक्ट्स आएंगे, गवर्नमेंट अनस्टेबल होगी, धरने होंगे, एहतजाज होगा, और किसी भी टाइम कोई भी मुल्क आपको टेक ओवर कर सकता है। तो ये स्टेट लेवल मसला आ जाता है। क्रिटिकल एलिमेंट्स, क्रिटिकल एसेट्स, फैसिलिटीज, सिस्टम्स, नेटवर्क्स, प्रोसेसेस, अगर उनमें ब्रीच हो जाए तो मुल्क आपका तबाही के दहाने पे खड़ा हो सकता है, किसी भी वक्त कोई भी इस पे काबिज हो सकता है, नेशनल सिक्योरिटी में मसला आ सकता है, नेशनल डिफेंस में मसला आ सकता है, आपके मुल्क की सालमियत खराब हो सकती है, पूरा का पूरा मुल्क गोइंग कंसर्न बेसिस पे खड़ा हो जाएगा कि भाई पता नहीं आगे चलेगा या नहीं चलेगा। तो इस तरह की चीजें, ये टॉपिक, ये लॉ बताने की कोशिश कर रहा है। मुझे बताइए अगर अभी तक कोई बात, कोई चीज मुश्किल लगी है तो हम उसके ऊपर दोबारा से बात कर सकते हैं। आखिरी बात जो कि बिल्कुल भी याद नहीं करनी क्योंकि रटा लगा देना है, वो है फाइन्स, पेनल्टीज, इस तरह की चीजें। इसको दो टुकड़ों में तोड़ लें, पहले तीन अलग कर दें और अगले चार अलग कर दें। जो पहले तीन है वो नॉर्मल लॉस को डिस्कस कर रहे हैं, अनऑथराइज्ड एक्सेस, और जो आखिरी के चार हैं वो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो अगर किसी ने अनऑथराइज्ड एक्सेस हासिल कर दी है किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम की, वो सिस्टम में पहुंच गया है, तो उसको 3 महीने तक की सजा हो सकती है और 50,000 रुपये तक फाइन हो सकता है, या बोथ बोथ भी हो सकता है। बस सिस्टम तक पहुंच गया, पहुंचने के बाद कॉपी करनी शुरू कर दी फाइल्स को, डाटा सिस्टम से उठा के आगे ट्रांसमिट करना शुरू कर दिया, तो जो कोई कर रहा है 6 महीने की सजा, 1,00,000 रुपये तक का फाइन। पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन सिस्टम खराब कर गया है, तो जो कोई कर रहा है 2 साल की सजा, 5,00,000 तक का फाइन। फिर नीचे देखेंगे तो आप बातें आपको सेम नजर आएंगी, मगर उसके साथ एक वर्ड जुड़ गया है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का। अनऑथराइज्ड एक्सेस यहां भी था, यहां पे भी है, अनऑथराइज्ड कॉपिंग नीचे भी है, ऊपर भी है, इंटरफेरेंस करना नीचे भी था, ऊपर भी था। तो अगर हम ऊपर वाली ऑफेंसेस के साथ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़ दें तो जो सजा है उसकी मालियत और टाइमिंग ज्यादा हो जाती है। ऊपर था 3 माह 50,000, नीचे अब हो गया 3 साल और 1 मिलियन, फिर था 6 महीने 1,00,000, अब है 5 साल 5,00,000, और सॉरी 50,00,000, फिर था 2 साल और 5,00,000, अब हो गया 7 साल और 10 मिलियन। तो चांसेस तो लेस हैं कि ये टेबल आपसे पूछा जाए, बट अगर पूछ ले तो आपको सजा पता होनी चाहिए, एमसीक्यूज में आ सकते हैं इस तरह की चीजें। एमसीक्यूज के अंदर यू कैन एक्सपेक्ट के आपसे इस तरह के टॉपिक, इस तरह की चीजें वो पूछ सकता है।